गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द मोल। कल जो हमने मोल के बारे में पढ़ा, मात्र एक चीज ही बताई हमने कल कि जो मोल होता है ना वो 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, और उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के का मास, चार्ज, ये निकालना हमने सिखाया। और वास्तव में जो मोल है वो बहुत बड़ा है, और इसमें हम अभी इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा पाए हैं। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है तो कुछ आगे कर लेते हैं। तो हमने ये बताया कि जो मोल होता है वो 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। कल इस तरीके से हमने ये चीज़ें बताई। और आज जो है ना, इस मोल के अंदर ही आती है सब चीज़ें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एटॉमिक मास। मोल ख़त्म नहीं हुआ है, मोल के अंदर ये सब चीज़ें यूज होती हैं। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको एटॉमिक मास, और इसका एक नाम और लिख देता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास। दोनों में क्या फ़र्क है सब चीज़ें बताऊंगा। ग्राम एटॉमिक मास, एक बार इस ये नोट कर लो। मास ऑफ, ये होता क्या है, जब भी एटॉमिक मास बोलते हैं तो क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास होता है। एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास होता है। हमने इस तरीके से देखा है कि भाई सोडियम जो है इसका मास 23 होता है। यूनिट नहीं बोली है मैंने, यूनिट जो होती है ना वो क्या होती है, इसकी AMU होती है। जिस तरीके से हम मास को केजी में और लेंथ को मीटर में मापते हैं, ठीक उसी तरीके से जो एटॉमिक मास होता है उसकी जो यूनिट होती है वो AMU होती है। और AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, अगर ये बात बोल दी है, इसका मतलब ये एक एटम का नहीं है, ये एक मोल एटम का मास है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब भी क्या होता है, एक मोल एटम का मास। समझ गए? जैसे, और सुनो, ये जो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जिसको मैं GAM लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है आपने सीख लिया, कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। अगर कभी भी मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन का मास वन है, वन AMU है, तो आप क्या समझोगे कि एक मोल हाइड्रोजन का मास है, ना कि केवल एक हाइड्रोजन का मास है। कितने का है, एक मोल का। जब भी हम किसी का एटॉमिक मास देखते हैं, मैंने कहा हमें जो भी याद है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। इसका मतलब नॉट ओनली द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। ये जो नाइट्रोजन जो है इसके एक मोल एटम का मास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फर्क है, ठीक है ना। केवल अभी मैं इनके डेफिनेशंस बताने लग रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए भी लिख लो, आप लिखो द एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फर्क बहुत होता है, कैसे निकालते हैं वो अलग बताऊंगा मैं, अभी केवल इनका मीनिंग बताया है मैंने। क्या बताया मैंने, द एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम लिखा मैंने, सोडियम का मास कितना होता है, 23।
अगर मैं लिख देता हूं कि 23 AMU है, तो आप क्या कहोगे कि एक मोल सोडियम का एटम है और इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या है बोलो, ये एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास। अगर मैं इसको 23 ग्राम लिख देता, अगर मैं इसको, देखो कुछ नहीं किया मैंने, केवल एएमयू की जगह क्या लगाया, ग्राम लिखा है, तो इसका नाम क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। नाम से ही पता चल रहा है जो एटॉमिक मास जो होता है उसके सामने हमने क्या लगाया है, ग्राम लगाया है, तो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का और भी रिलेशन है, वो नहीं बताया मैंने अभी, केवल इनका मीनिंग सिखाया है मैंने, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर इन दोनों में 23 लिख दिया, 23 ग्राम लिख दिया, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? चलो आगे चलो, तो फिर हम क्या कर रहे थे, एक छोटी सी चीज़ और लिखते हैं। नीचे लिखो, नीचे लिखो, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज AMU, इज AMU। क्या लिखा है मैंने, सुनो बहुत ही सिंपल बात बताई है मैंने, कि जो AMU होता है ना, AMU, इसका AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये मतलब होता है। और मैंने ऊपर जो लाइन लिखवाई है कि वेट ऑफ वन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का वेट कितना होता है, 23, और ये किसका है, कितने का है, एक मोल का है। तो अगर मैं लिखूं वेट ऑफ वन मोल एटम इज इक्वल टू 23, अगर मुझे एक एटम का निकालना है तो कितना हो जाएगा बोलो, वन का निकालेंगे तो वन अपॉन मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23, 22 भी लिख दोगे तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि 1 अपॉन 6.02 इंटू 10^23, नहीं 23, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10^23, ये हमारा क्या है, AMU है। इज इट क्लियर? दोबारा सुनो, मैंने एक लाइन में जो लिखवाया है ना, वो यही लिखवाया है कि वेट ऑफ वन एटम इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में एक एटम का वेट AMU कहलाता है। जैसे सोडियम की बात करी, इतने एटम का मास 23 था, तो एक एटम का कितना होगा, 23 को मैंने मोल से क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये मेरा क्या आ गया, AMU। इज इट क्लियर? तो उसके बाद में एक छोटी सी चीज और लिखो, एक चीज और बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये निकाल लोगे ना, ये क्लियर है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखो बेटा, अगर कभी यूं आ जाए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या है, सुनो, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी मोल को ही बोलते हैं। ये एक ओल्ड टर्म है, मोल जो है ना वो एक न्यू टर्म है। अगर ये कहूं कि भाई नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालो, तो आपको सोचना है कि मोल निकालना है। मोल और नंबर ऑफ ग्राम एटम बोथ आर सेम, मोल इज न्यू टर्म और नंबर ऑफ ग्राम एटम इज ओल्ड टर्म। इज इट क्लियर? या क्या मैं इसको मोल लिख सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना है, बहुत से सवालों में नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को सोचना है वो भी क्या है, मोल है। देखो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, गिवन वेट इन ग्राम, ये स्पेशली ध्यान रखना है,
कि जो वेट दिया हुआ है वो ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर कोई एटम है तो उसका क्या लिखूँगा, ग्राम, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास। अगर कोई मोलिक्यूल है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास। थोड़ा सा मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा एटम मोलिक्यूल, ये आपने नाइन्थ और टेंथ में भी पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने लग रहा हूँ। सपोज करो हाइड्रोजन है, अकेला है, एटम है ना, और एटम है, अगर हीलियम है, ये दो काउंट नहीं करने हमें, ये भी अकेला ही है वन एटम, ये भी क्या है एटम है। सोडियम भी क्या है एटम है। अगर एक से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो मोलिक्यूल बोल देते हैं, जैसे मैंने H2O लिखा, क्या है मोलिक्यूल है। अगर मोलिक्यूल का मास निकालेंगे तो मोलिक्यूलर मास, अगर एटम का मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास। अब देखो अगर मैं Cl2 का मास निकालता हूँ तो बोलो क्या होगा, मोलिक्यूलर मास। अगर मैं Cl का मास निकालता तो क्या होता, एटॉमिक मास। कितना होता है 35.5, अगर मैंने ग्राम लिख दिया तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं इसका कितना हो जाएगा 71 ग्राम, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया, अगर कोई एटम है तो, अगर इसकी जगह कोई मोलिक्यूल आता तो मैं ग्राम मोलिक्यूलर मास भी लिख देता। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप इसको क्या करोगे, याद करोगे। ये मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम भी क्या होता है, मोली होता है। क्लियर है बात। अगर दूसरी बात, कभी भी मुझे क्या निकालना है, गिवन वेट, किसी का भी वेट निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखूँ, नंबर ऑफ, ये दो छोटे छोटे चीज़ें हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं किया मैंने, ये गिवन वेट था इसको यहीं रखा, इस ग्राम एटॉमिक मास को मैंने इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि मोल कैसे निकाला जाता है और एटम कैसे निकाले जाते हैं, एटम या मोलिक्यूल कैसे निकाले जाते हैं। समझे या नहीं समझे, इज इट क्लियर। देखो, या फिर ये भी कह सकता हूँ, इसी के ब्याह पे देख रहा हूँ मैं, अगर मुझे कहा जाए कि भाई मोल निकालो, तो मोल क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, गिवन वेट, नीचे क्या लिखूंगा, एटॉमिक वेट, बोलो एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर मुझे निकालना है कि गिवन वेट निकालो आप, तो गिवन वेट को क्या करूंगा, मोल को एटॉमिक वेट से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्या बात क्लियर है, ठीक। अब देखो, ये तो वेट निकाला मैंने, अब मैं निकालने लग रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल लोगे, ये फॉर्मूला रहा, गिवन वेट निकाल दोगे, ये फॉर्मूला हुआ। अब निकाल रहा हूं मैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एन ए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से नोट करो। ये दो तीन फॉर्मूला है, ये डिस्कस कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इसका क्या नाम है, मोल है, मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है। अगर कोई आपको ये कहे कि मेरे पास 5 दर्जन केले हैं, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बनानाज बताओ, तो क्या करेंगे हम, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। इसी तरीके से मैंने मोल को क्या कर दिया है, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ये छोटे छोटे दो तीन फॉर्मूला जो है, कुछ नहीं है, केवल यही फॉर्मूला मेन, तो गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम है तो, और नंबर ऑफ एटम निकालूंगा तो इसी को क्या कर दूंगा, एन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो, लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड
ग्राम एटम इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम, 115 ग्राम ऑफ सोडियम। बहुत ही सिंपल है, सोच करके निकालना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है। अगर हम बहुत जल्दीबाजी करके गलती कर देते तो फिर क्या फायदा हुआ, आराम से कर लेंगे लेकिन क्या करेंगे, ठीक करेंगे। देखो एक बार इधर देखो, मेरे पास 115 ग्राम सोडियम दिया हुआ है, क्लियर है, और ये मुझे पता ही है कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास कितना है, कितना एटॉमिक मास 23 है, ठीक है ना। और ये 23 कितने सोडियम का मास है, एक मोल सोडियम का मास है। इसका मतलब क्या है, कोई बात नहीं, मुझे निकालना है सबसे पहले नंबर ओ ग्राम एटम, ग्राम एटम निकालना है। किसका फॉर्मूला क्या है बोलो, गिवन वेट इन ग्राम, ये हमारे पास एक ग्राम में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे गिवन वेट 115 डिवाइडेड बाई 23 कितना हो जाएगा, कितने कट जाएगा, 115 डिवाइडेड बाई 3 कितने हो गए, 5। तो 5 क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम है, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5 मोल है, लेकिन मैंने मोल की टर्म में नहीं पूछा है, मैंने नंबर ऑफ ग्राम एटम कह दिया, बात तो एक ही है। दूसरी बात सोच करके देखे हमने कि मैंने कहा कि ये 5 मोल है, मैं कहूँ एटम बताओ तो 5 को मैं कितने से गुणा करूँगा, मोल, मोल मीन्स एने, एने मीन्स 6.22 × 10^23 इज इक्वल टू आंसर। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, 5 × Na, बोलो क्या लिखूंगा, 5 × 6.02 × 10^23 और इतने मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इतने मेरे पास एटम्स आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बोलो कोई समस्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लो आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोविंग, इन फॉलोविंग। नंबर वन, सबसे पहला लिखो 1 mg ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखोगे, लिखा मैंने 1 mg मिलीग्राम ऑफ H हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा लिख लो 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl2। थर्ड लिखो 600 kg ऑफ कार्बन, क्या लिखेंगे, 600 kg ऑफ कार्बन। और लिख लो, फोर्थ लिख लो, क्या लिखोगे, 28 ग्राम ऑफ N2। और लिख लो 22 ग्राम ऑफ आयरन, जो भी लिखना है 5, ये लिख लो, ये लिख लो 40 ग्राम ऑफ नियोन, 40 ग्राम ऑफ नियोन। ये हमें क्या करने हैं, इन सभी का क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, सभी आप इनको सोल्व करके ले आएंगे,
और कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना, थैंक यू।